हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश पांडे आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्गेनिक कन्वर्जन ट्रिक टू। फर्स्ट ट्रिक में मैंने आपको ऑक्सीडेशन मेथड के थ्रू कि किस तरह कन्वर्जन करते हैं सब कुछ सिखाया था। आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन और कोरे हाउस सिंथेसिस। इन चारों नेमिंग रिएक्शन का इस्तेमाल करके हम कैसे कन्वर्जन कर सकते हैं, जैसे हाउ विल वी कन्वर्ट मिथेन इन टू इथेन, इथेन टू ब्यूटेन, इथेन टू प्रोपेन, इथाइल क्लोराइड टू इथाइल बेंजीन, बेंजीन टू टोलवीन, क्लोरोबेंजीन टू डाइफिनाइल। और इवन ये जो कन्वर्जन्स है जो मैं टेक्निक आपको सिखाने जा रहा हूं, इसका इस्तेमाल और काफी रिएक्शंस के बीच में होता है, मगर अभी कई टेक्निक्स आपको मैं नहीं बता पा रहा हूं तो वो कन्वर्जन्स मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं वुड्स रिएक्शन। तो बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है, मैक्सिमम स्टूडेंट बड़े इजिली इसे याद कर लेते हैं। वुड्स रिएक्शन का इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब मुझे डबल कार्बन का एल्केन बना रहा हूं। और एक इसकी खासियत और है कि वुड्स रिएक्शन के मेथड के थ्रू हम केवल क्या कर सकते हैं, सिमेट्रिकल एल्केन बनाते हैं, जैसे कि इथेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन। हम इस मेथड के थ्रू, वुड्स रिएक्शन के थ्रू, प्रोपेन, पेंटेन, हेप्टेन नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते, क्योंकि उसकी यील्ड बहुत ही कम अमाउंट में बनती है। बाकी अभी मैं क्योंकि कन्वर्जन्स की बात कर रहा हूं तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। फिलहाल हम बात करते हैं वुड्स रिएक्शन क्या होती है, कि जब हम किसी अल्काइल हैलाइड को सोडियम मेटल के साथ ट्रीट करते हैं, दो मॉलिक्यूल सेम लेंगे हम अल्काइल हैलाइड के और सोडियम के साथ जब ट्रीट करते हैं तो इसका NaX बाहर निकल जाता है, दो R आपस में मिलकर क्या बना देते हैं, एल्केन प्लस NaX, तो हमारा बन क्या जाता है, एल्केन। एल्केन में याद रखने वाली बात है कि जो अल्काइल ग्रुप होगा उसका डबल कार्बन का हमें क्या मिलेगा, एल्केन मिलेगा। कहने का मतलब क्या है, मान लो मैंने मिथाइल लिया CH3Cl प्लस 2Na। कई बार हम याद रखने के लिए इस तरीके से भी रिएक्शन को लिखते हैं कि दोनों को अलग अलग लिख दिया, फिर हम कह देते हैं भाई ऐसे क्या हो गया, दो NaCl बाहर निकल गया। बट दिस इज नॉट ए मैकेनिज्म, मैकेनिज्म अलग कॉन्सेप्ट है, मैकेनिज्म हम अलग से, इसके मैं अलग से आपको वीडियो दूंगा हर एक रिएक्शन के मैकेनिज्म का, मगर फिलहाल हम कन्वर्जन्स कर रहे हैं तो कन्वर्जन पे ही फोकस रखते हैं। तो क्या हो जाएगा, मिथाइल और इसका मिथाइल मिलकर क्या बन जाएगा, इथेन, और प्लस क्या हो जाता है, 2NaCl। तो कई स्टूडेंट्स को याद इस तरह इजिली होता है, मगर आप हमेशा ऐसे किया करें क्योंकि पेपर में कभी इस तरह नहीं आएगा आपको कंप्लीट द रिएक्शन, दो मॉलिक्यूल दे देंगे सिंगल। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि इथाइल क्लोराइड और एन ए कंप्लीट द रिएक्शन, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपको समझना चाहिए कि जब इस टाइप से क्वेश्चन आए तो हमें पेपर में कुछ भी नहीं होने वाला, बस आपको याद क्या रखना है कि जब हम अल्काइल हैलाइड को सोडियम मेटल के साथ ट्रीट करते हैं डबल कार्बन का एल्केन बन जाते हैं। अभी कितने कार्बन है, दो, तो क्या मिलेगा मुझे, ब्यूटेन CH3CH2CH2CH3, क्योंकि अभी सीधी चेन है तो हम इसका नाम क्या कहेंगे, एन ब्यूटेन। तो ये दोनों कन्वर्जन आप देख सकते हैं, मगर यहां पे मैंने जो कन्वर्जन में वर्ड इस्तेमाल किया है मिथेन और इथेन किया है, अब वो कैसे लाएंगे वो भी बताता हूं मैं पहले। अब यहां पे देखिए करना है कि आपको पेपर में दो जो है कोफिशिएंट ये आपको खुद ही लेना पड़ेगा। अब कन्वर्जन है मेरी मिथेन टू इथेन, मगर ये तो मिथाइल क्लोराइड है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मिथेन लिया और मिथेन की क्या करेंगे, क्लोरिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड इट विल कन्वर्ट इन टू मिथाइल क्लोराइड। इसी तरह हम क्या करेंगे, पहले इथेन लेंगे, इथेन की क्या करेंगे, क्लोरीनेशन लाइट के प्रेजेंस में, बैलेंस करने के लिए जस्ट मैं दो लगा रहा हूं तो टू, तो ये क्या हो जाएगा, टू इथाइल क्लोराइड, और फिर हम किसमें कन्वर्ट कर देंगे, एन ब्यूटेन। तो आपको पेपर में ध्यान रखना पड़ेगा स्टूडेंट कि आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्या कब कन्वर्जन लगानी है। कई बार आता है इथेनॉल टू, कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है इथेनॉल टू ब्यूटेन, और मैनी स्टूडेंट बाय मिस्टेक क्या करते हैं, CH3CH2OH+Na gives CH3CH2CH2CH3 ब्यूटेन कर देंगे। आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सी रिएक्शन किस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड की है, इथेनॉल के साथ वुड्स रिएक्शन नहीं लगती, तो मुझे करना क्या पड़ेगा, सपोज करिए आपको इथेनॉल ही आ गया तो मुझे क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, हमें पहले इथेनॉल को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, इथाइल क्लोराइड में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, दो मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं क्योंकि हमको बैलेंसिंग करके ब्यूटेन बनाना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे OH है, Cl लाना है, तो PO CL2 फास्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन, या हम कह सकते हैं PCl3
या PCL5। मैं हेलो एलकेंस की प्रेपरेशन के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये आपको आनी चाहिए कैसे अल्काइल हैलाइड बनाते हैं, और ये अल्काइल हैलाइड कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, ब्यूटेन के अंदर। तो आपको मैंने बताया कि कैसे हम इस्तेमाल करते हैं। अब अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास इस्तेमाल होता है कि वुड्स रिएक्शन, तो समझ आ गई सर ये वुड्स फिटिंग क्या है। तो अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग कॉन्सेप्ट किया। फिटिंग में क्या किया स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, वुड्स रिएक्शन में क्या से आपको समझ आ गई होगी। तो हमें जब डबल एल्केन बनाना है तब हम वुड्स रिएक्शन का इस्तेमाल करेंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग क्या है, देखो मैं बिल्कुल सिंपल सी टेक्निक बता देता हूं। अगर दोनों अल्काइल हैलाइड हैं तो वुड्स रिएक्शन, एक अल्काइल हैलाइड एक एराइल हैलाइड, तब क्या आ जाएगा हमारा वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो फिटिंग रिएक्शन में क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, इस केस में एक चीज एक्स्ट्रा होगी क्या। अब हम एराइल हैलाइड ले रहे हैं, क्लोरोबेंजीन प्लस टू मोलिक्यूल्स ऑफ सोडियम प्लस क्लोरो मीथेन, या फिर हम कह सकते हैं मिथाइल क्लोराइड। तो अब याद रखने के लिए केवल ऐसे करते हैं, मैंने आपको पहले बताया ये मैकेनिज्म नहीं है। तो यहां से क्या आ जाएगा 2NaCl का क्या हो जाएगा रिमूवल, और हम क्या कहेंगे क्या बन गया टोलवीन। बेंजीन के ऊपर जब CH3 होता है उसे क्या बोलते हैं टोलवीन। तो ये सारी कन्वर्जन हमारी कौन सी है, बेंजीन टू टोलवीन। अब आपको मैंने यहाँ पे कन्वर्जन जो दे रखी हो बेंजीन टू टोलवीन है, मगर ये तो फ्लोरोबेंजीन से टोलवीन बना, तो क्या करेंगे मुझे तो बेंजीन से बनाना है, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट बेंजीन की पहले क्लोरीनेशन कर देंगे और वो बन जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें क्लोरोबेंजीन में। सॉरी यहाँ पे हम किसकी प्रेजेंस में करेंगे एनहाइड्रस AlCl3, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहे हैं। तो बेंजीन की क्लोरीनेशन की एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में तो क्या बन जाएगा क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन के साथ हम क्या बना देंगे टोलवीन। तो ये आपकी कन्वर्जन होगी, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह मैंने यहाँ पे कन्वर्जन दे रखी है इथाइल क्लोराइड टू इथाइल बेंजीन। क्या करेंगे स्टूडेंट बिल्कुल इजी, हम यहाँ पे क्लोरोबेंजीन बना देंगे और इस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कर देंगे CH3CH2Cl और 2Na, और अगर मैं इथाइल क्लोराइड के साथ कर रहा हूं तो मेरे पास क्या मिल जाएगा बेंजीन के ऊपर CH2CH3, तो इथाइल बेंजीन। तो हमें खुद सोचना है कि कैसे कैसे कन्वर्जन आ सकती है। तो इथाइल क्लोराइड की हमने क्लोरोबेंजीन के साथ करा दी तो क्या बन गया इथाइल बेंजीन। तो इस तरह हम कन्वर्जन कर सकते हैं। लास्ट हम बात करते हैं फिटिंग रिएक्शन, गला थोड़ा सा खराब है स्टूडेंट। तो हम फिटिंग रिएक्शन की अगर बात करें तो फिटिंग रिएक्शन में क्या होगा, दोनों ही एराइल हैलाइड होंगे, दोनों ही स्टूडेंट ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं एराइल हैलाइड होंगे। ClCl यहां पे आ गया, सेम वही याद रखने की टेक्निक 2NaCl बाहर, और यहां से हमारे पास क्या बन जाएगा डाइफिनाइल, बाइफिनाइल भी बोल देते हैं इसे। तो देयर इज अ कन्वर्जन ऑफ क्लोरो, फिर वही बात क्लोरोबेंजीन के साथ है ठीक है, क्लोरोबेंजीन टू डाई फिनाइल। लास्ट जो कन्वर्जन है इथाइल क्लोराइड टू पेंटेन। अब इसमें अगर हम ध्यान से देखें, या एक कन्वर्जन ये रहेगी हमारी, इन दोनों की बात करने जा रहा हूं मैं, इथेन टू प्रोपेन। तो इसमें एल्केन तो बन रहा है मगर ओड नंबर का बन रहा है। अब ओड नंबर का जब एल्केन आ जाए तब हमें इस्तेमाल करना पड़ता है कोरे हाउस सिंथेसिस। वैसे कोरे हाउस सिंथेसिस का इस्तेमाल हम इवन के लिए भी कर सकते हैं, मान लो इथेन से ब्यूटेन बनाना है तब भी हम कोरे हाउस सिंथेसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर कोरे हाउस सिंथेसिस बेसिकली हम इस्तेमाल तब करते हैं जब हमारे पास क्या है ओड नंबर ऑफ कार्बन का क्या आ जाता है स्टूडेंट एल्केन आ जाता है। क्या है कोरे हाउस सिंथेसिस उसको भी सीख लेते हैं और उससे रिलेटेड कन्वर्जन भी सीख लेते हैं। पहले आपको कुछ स्टेप याद रखने पड़ेंगे कोरे हाउस सिंथेसिस में क्या करते हैं बेटा, हम कहते हैं कि जब हमने अल्काइल हैलाइड लिया, अल्काइल हैलाइड को हम क्या करते हैं लिथियम मेटल के साथ ट्रीट करते हैं, एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल लिथियम प्लस लिथियम हैलाइड, दो मॉलिक्यूल्स लिथियम के लिए हमने। अब जो अल्काइल लिथियम बनता है आपका उसको हम ट्रीट कराते हैं कॉपर आयोडाइड के साथ, इसके साथ स्टूडेंट ट्रीट कराते हैं कॉपर आयोडाइड के साथ, उससे क्या बन जाता है डाई अल्काइल कॉपर लिथियम, दो मोलिक्यूल्स हम अल्काइल लिथियम के लेंगे, ये बन गया प्लस लिथियम आयोडाइड, आयोडीन है लिथियम आयोडाइड भी क्या हो जाएगा बाहर, एक एटम का हमने लिथियम का इस्तेमाल किया है। उसके बाद जो ये डाई अल्काइल
कोपर लिथियम आपके पास बना है, वैसे इसका नाम क्या होता है, लिथियम डाइअल्काइल क्यूपरेट, ठीक है। तो जब हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करते हैं स्टूडेंट, अब मुझे जो भी एल्केन ऐड कराना है, मान लो मैंने ऐड कराना है आर डैश, कोई भी एल्काइल ग्रुप ऐड करा सकता हूं, आर और आर डैश ये सेम भी हो सकते हैं, आर और आर डैश सेम नहीं भी हो सकते। मान लो ये इथाइल है तो ये भी इथाइल हो सकता है, तब बन जाएगा ब्यूटेन, ये इथाइल है ये मिथाइल है तो बन जाएगा प्रोपेन। तो मैं यहाँ पे कोई भी अल्काइल हैलाइड ऐड करा सकता हूं, अल्काइल हैलाइड के साथ हमने रिएक्शन कराई, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहां से आर और यहां से आर डैश, आर से आर डैश प्लस अल्काइल कॉपर प्लस लिथियम हैलाइड, ये हमारी कोरे हाउस सिंथेसिस है। अब कई स्टूडेंट कहेंगे सर आर से मेरे को समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कहना चाह रहे हो, कोई बात नहीं, इसको क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करते हैं। मैं ले लेता हूं इथाइल क्लोराइड, तो हमने क्या किया स्टूडेंट, इथाइल क्लोराइड लिया और उसकी रिएक्शन लिथियम के साथ करवा के किसमें कन्वर्ट कर दिया, इथाइल लिथियम प्लस लिथियम क्लोराइड, ये बात ले गया आपका, और जो ये हमारा इथाइल लिथियम बना है हमारे पास, इसके दो मोलिक्यूल्स की रिएक्शन हम कॉपर आयोडाइड के साथ करा दी और इट गेट्स कन्वर्ट इनटू लिथियम डाई इथाइल क्यूपरेट, लिथियम डाई इथाइल क्यूपरेट, और जो लिथियम डाई इथाइल क्यूपरेट हमारा बना है स्टूडेंट, अब यहां से आप जितने भी कार्बन ऐड कराना चाहें, मान लो मैंने मिथाइल ऐड कराया मिथाइल क्लोराइड, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 प्रोपेन प्लस लिथियम क्लोराइड प्लस कोपर इथाइल, ये बन गया हमारा। अब मैं चाहता हूं नहीं, मुझे तो यहां से क्या चाहिए, पेंटेन चाहिए, जैसा कि मैंने लास्ट में इथाइल क्लोराइड से किया है CH3 CH2 CH3। अब पेंटेन में मुझे कितने कार्बन ऐड करने पड़ेंगे स्टूडेंट, तीन, तो मैं क्या कहूंगा यहाँ पे प्रोपाइल क्लोराइड का इस्तेमाल करूंगा, तो यहां से प्रोपाइल ग्रुप और यहां से इथाइल ग्रुप, ये दोनों मिलके क्या बन गए, पेंटेन, और प्लस क्या बन गया स्टूडेंट, लिथियम क्लोराइड और प्लस इथाइल कॉपर। तो ये मैंने आपको टेक्निक्स बताई हैं, बहुत ज्यादा कन्वर्जन में इस्तेमाल होता है, ट्रिक सेकंड है, जो मेरी ट्रिक थर्ड है बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, ग्रिग्नार्ड एजेंट का इस्तेमाल कैसे करेंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के बीच में और जो जिनको भी आप नोन है आपके जो भी स्टडी के अंदर है उनको ये प्रोवाइड करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों के बीच में ये पहुंच सके और मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद है वो पूरा हो सके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।